पूरा खानदान देखने आया था तुम्हारा, जब शादी हुई थी हमारी। और अभी अकेले पूरे खानदान को देख लेते। अरे हमरा अलावा अभी कौन को सन से टाका भिड़ल बा तू? हमार सब कुछ तो तू ही बारा, तहरा अलावा कोई के बारे में सपनों में भी ना सोचे। नी तनि इहे बतवा हमार क्रिया खा के कह तो। क्रिया तो खा लेम, बाकी कुछ होई तो हमार दोस्त न दियो। मेरे पास भी बहुत पैसा है, ऐसा लोगों का मानना है। अच्छा अगर तुम मेरी दवा से ठीक हो गए तो मुझे क्या इनाम दोगे? डॉक्टर साहब हम तो गरीब आदमी हैं। अच्छा कब्र खोदते हैं। ओ आपकी फ्री में खोद देंगे। सर आप कुत्ता क्यों नहीं पालते? एक्चुअली मेरे पास कुछ अच्छे दोस्त हैं जो बहुत बड़े कुत्ते हैं। क्या जमाना था जब तीन चार लोग साथ में बैठा करते थे, अब तो सबके घर में लैट्रिन हो गई। अगर आप दुनिया बदलना चाहते हो ना तो शादी के पहले ही बदल लो, क्योंकि शादी के बाद आप टीवी का चैनल भी नहीं बदल सकते। एक बात पूछूं? क्या? तुम मेरी तस्वीर हमेशा अपने पर्स में क्यों रखते हो? अरे ये तो मैं इसलिए रखता हूँ कि मुझ पर जब भी कोई मुसीबत आती है तो मैं पर्स में से निकाल कर तुम्हारी तस्वीर देख लेता हूँ और परेशानी दूर। अरे वाह, तो तुम मुझे इतना शक्तिशाली और महान समझते हो? बिल्कुल, तस्वीर देखकर मैं ये सोचता हूँ कि जब मैं इसे झेल सकता हूँ तो ये मुसीबत क्या चीज है मेरे लिए। दोस्त हमेशा काले बनाओ क्योंकि वो रंग नहीं बदलते। काले हैं तो क्या हो? कोई नया शेर सुनाओ ना। संगमरमर से शिंगारा खुदा ने तेरा बदन, आगे बाकी का बचा पत्थर उसने तेरी अकल पर रख दिया। जब एक बिजली के तार को दूसरे बिजली के तार से प्यार हो जाता है ना, तब उसे करंट अफेयर कहते हैं। हाँ।